नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर तरु जिंदल है। मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ, भारत से। और मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में एमडी किया है, जिसे आप स्त्री रोग विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं। तो वजाइनिस्मस या वैजिनिस्मस सुनने में एक बहुत ही मुश्किल टर्म लगता है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि एक आसान इसके लिए वर्ड होना चाहिए, लेकिन नाम अभी फिलहाल हमारे पास यही है, वजाइनिस्मस। वजाइनिस्मस का मतलब होता है कि एक इनवॉलंटरी, मतलब मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन या एक तरीके का स्पाज़म या बंद हो जाना, एक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वजाइना की मसल्स का। जो वहां की मांसपेशियां होती हैं योनि में, वो बिना मेरे कंट्रोल के या बिना मेरे कुछ किए अपने आप ही बंद होना शुरू हो जाती हैं जब हम पेनिट्रेशन, सेक्सुअल पेनिट्रेशन की कोशिश करते हैं। ये औरत ऐसा नहीं है, ये करना नहीं चाहती है। इस डेफिनेशन में ही सबसे पहला टर्म है इनवॉलंटरी, मतलब ये इसके हाथ में नहीं है, ये करना चाह रही है लेकिन फिर भी पेनिट्रेशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका शरीर एक तरीके का डिफेंस थ्रो कर रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारी बॉडी हमें किसी डरावनी चीज या डेंजरस चीज से बचाती है। मतलब अगर मेरे सामने कोई आग आ गई या कुछ गर्म चीज आ गई, तो ये अपने आप ही मेरा हाथ पीछे चला जाता है। ये क्यों होता है, मैंने तो सोचा भी नहीं है इस बारे में। ये एक इनवॉलंटरी रिएक्शन है मेरी बॉडी का कि वो मुझे जलने से बचा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में मैंने ये सीख लिया है कि अगर मैं किसी गर्म चीज को हाथ लगाती हूँ तो मैं जल जाऊंगी, या मेरी आंखों के सामने धूल बह रही है तो अपने आप ही मेरी आंखें बंद हो जाती। मैं कर नहीं रही हूं, ये अपने आप हो रहा है। उसी तरीके से औरतें सेक्सुअल इंटरकोर्स रियली करना चाहती हैं, अपने पति को प्यार करती हैं, अपने पार्टनर को प्यार करती हैं, रियली करना चाह रही हैं, लेकिन जैसे ही सेक्सुअल पेनिट्रेशन का मौका आता है, ये वजाइनल मसल्स अपने आप ही बंद हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जो मर्द का पेनिस है वो किसी दीवार को हिट कर रहा है, या कोई जगह ही नहीं है वहां पे अंदर जाने के लिए। तो बहुत बार औरतों को ब्लेम किया जाता है कि तुम ये जानबूझ के कर रही हो, या तुम ये करना ही नहीं चाहती हो, विच इज नॉट ट्रू। ये और इस औरत से ज्यादा और कोई नहीं है जो ये करना चाहता है, लेकिन ये इसके हाथ से बाहर है, और ये है वजाइनिस्मस। वजाइनिस्मस हम सिंगल लड़कियों में भी देखते हैं, सिंगल मतलब जिनके फिलहाल कोई पार्टनर्स नहीं है। तो ये लड़कियां बहुत बार मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहती हैं, टैम्पॉन्स यूज करना चाहती हैं, या कोई औरत सिंपली एक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए गई है, या एक स्त्री तज्ञ या स्त्री विशेषज्ञ के पास पैप स्मियर करने गई है, लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान या मेंस्ट्रुअल कप डालने के दौरान इनके वजाइनल मसल्स फिर इस तरीके से बंद हो जाते हैं और किसी भी तरीके की ऑब्जेक्ट, उंगली या पेनिस अंदर जा ही नहीं पाता। सुनने में बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन लगती है, लगता है, पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं। और इसके बारे में क्योंकि शेम इतनी ज्यादा है, हम इतना डरते हैं सेक्सुअल चीजों के बारे में बात करने में, कि हमें पता ही नहीं है कि सच में इंडिया में वैजिनिस्मस है कि नहीं, कितना है, फॉरेन कंट्रीज में कितना है। बहुत बार कहा जाता है कि किसी भी सोसाइटी में ये 10% से लेकर 40% भी हो सकता है। तो क्योंकि कोई ये रिपोर्ट नहीं करता है, तो हमें सही में नहीं पता कि वजाइनिस्मस कितना है हमारी कंट्री। तो ये है वजाइनिस्मस। बहुत बार जिन लोगों को ये दिक्कत होती है, तो वो सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं देखने के लिए कि क्या वजाइना में कोई प्रॉब्लम है, वो क्या सच में छोटा है, वहां पे क्या वो दीवार से दीवार की तरह बंद है, या हाइमन में कोई प्रॉब्लम है। और जनरली एग्जामिनेशन शुरू होता है, और एग्जामिनेशन में अंदर उंगलियां डाल के एग्जामिनेशन किया जाता है, जैसे होता है, जिसे हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन बोलते हैं। और ये करने में भी वो लड़की बहुत डरती है, क्योंकि वो किसी भी तरीके के पेनिट्रेशन से डरती है। तो उसके लिए एक गायनेक के पास जाना और फिर दोबारा एग्जामिनेशन होना, ये एक बहुत ही ट्रॉमेटिक और दुखदायक एक्सपीरियंस होता है। वो जिस चीज से डरती है, डायग्नोसिस के लिए हम वही चीज कर रहे हैं उसके साथ। तो पहली बात तो वजाइनिस्मस की डायग्नोसिस के लिए आपको अंदर उंगलियां डालना या अंदर कुछ डाल के देखने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई भी लड़की हमारे पास आके कहे
कि मेरा मन बहुत होता है, उत्तेजना बहुत होती है, लेकिन जैसे ही पेनिट्रेशन का समय आता है एकदम से मुझे बहुत डर लगने लगता है, ऐसा लगता है मुझे दर्द होगा और मेरे मेरे दोनों पैर जकड़ जाते हैं, मैं हाथों से अपने पति को धक्का मार देती हूँ या मैं जोर शोर से चिल्लाती हूँ कि बंद करो बंद करो बंद करो। अगर कोई भी लड़की ये कहती है तो ये तो यही पता चल गया कि ये वजाइनिस्मस है। हाँ, हमें कुछ कुछ चीजें पता करनी होती कि क्या ये कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से है, जैसे कभी कभी कुछ लोगों की वहां सर्जरीज हुई होती हैं, या एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक इलनेस है उस वजह से हो रहा है, या वहां पे कहीं स्टिचेस कभी दिए गए थे, लेकिन ये बहुत ही कम केसेस होते हैं। ज्यादातर केसेस प्राइमरी वजाइनिस्मस के होते हैं, तो हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है वजाइनिस्मस उन लड़कियों में जिन्होंने कभी भी पेनिट्रेशन एक्सपीरियंस नहीं किया है। सेकेंडरी का मतलब है ये लड़की पहले तो नॉर्मल रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पा रही थी लेकिन कुछ कारणों से अब नहीं हो पा रहा। तो हम ये जनरली प्राइमरी वजाइनिस्मस की बात कर रहे हैं आज, कि हमें कारण ही पता नहीं चल रहा है। कोई अगर आप एग्जामिनेशन करोगे तो सब कुछ नॉर्मल है लेकिन फिर भी ये हो नहीं पा रहा, क्योंकि ये सारा उसके मन से संबंध है इसका। तो प्राइमरी वजाइनिस्मस दो अंगों का काम है, एक है वजाइना, एक है उसका मन या माइंड। तो वजाइना एकदम नॉर्मल है, अगर हम वजाइना के बारे में सोचे तो वजाइना एक रबर बैंड जैसा होता है। वजाइना ओपनिंग देखने में बहुत छोटी सी होती है लेकिन जैसे रबर बैंड को जितना स्ट्रेच करो उतना स्ट्रेच हो जाता है, वैसे ही एक वजाइनल ओपनिंग जो बहुत छोटी सी दिखती है, अगर उत्तेजना हो तो वो 2.5 इंच तक खुल सकती है। 2.5 इंच कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तक वो पिछली जगह में खुल सकती है, जो आदमियों का पेनिस होता है इरेक्शन के बाद लगभग 3.5 सेंटीमीटर या 3.8 सेंटीमीटर का होता है। तो 6 सेंटीमीटर की वजाइना में फिट क्यों नहीं होगा या क्यों नहीं जाएगा अंदर? और जब उसकी डिलीवरी होनी हो तो वो तो 9 सेंटीमीटर खुल जाता है, क्योंकि बच्चे का सर तो 9 सेंटीमीटर का होता है। तो अगर वजाइना इतना खुल सकता है तो वो अब क्यों नहीं खुल रहा है? तो वजाइना की स्ट्रेचेबिलिटी या उसकी कैपेसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो वजाइना हमें डिफेंड या बचाने की कोशिश कर रही है। कभी भी कोई भी हमारे बॉडी का ऑर्गन अपने आप काम नहीं करता, उसको हमारे मन से हमेशा एक सिग्नल मिलता है कि पेन उठाओ, तो हमारी उंगलियां पेन उठाती हैं। वैसे ही हमारे वजाइनल मसल्स को हमारे मन से एक सिग्नल मिलता है जो कहता है बंद हो जाओ, डेंजर डेंजर डेंजर, खतरा खतरा। लेकिन ये मसल्स पे ये सिग्नल क्यों आ रहा है, जबकि मेरा जो मन है वो तो मुझे ये भी कह रहा है कि मैं तो इसे प्यार करती हूँ, मैं तो करना चाहती हूँ, तो ये दोगलापन क्यों हो रहा है हमारे दिमाग में? तो चलिए हम अपने माइंड को समझते हैं। हमारे माइंड के दो भाग होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो छोटा सा माइंड होता है जो हमें डेली रोज की चीजें उसमें भरी हुई होती हैं, लेकिन जो 90% हमारा माइंड होता है वो होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब होता है हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसमें हमारे पुराने समय के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, भावनाएं सारी स्टोर्ड होती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं पिछले जन्म की चीजें भी उसमें होती हैं, वो सब मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे बचपन से लेकर आज तक जो हमारे साथ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे उसमें स्टोर्ड होते हैं। आप उसे एक घर का स्टोर रूम समझ सकते हैं कि पुराना फर्नीचर, पुराने कपड़े उसमें फेंक दिए गए हैं जो आज आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपके वजाइनल मसल्स को सिग्नल भेज रहे हैं। तो किस तरीके की एक्सपीरियंस की मैं बात कर रही हूँ? दो एक्सपीरियंसेस, पेन और शेम। तो वजाइनिस्मस ये दो चीजों की वजह से होता है, पेन और शेम। तो पेन की बात करें तो हमारी जो सोसाइटी है इसमें जीरो सेक्स एजुकेशन होता है। हम लड़कियों को बिल्कुल नहीं बताते कि उसकी नाभि के नीचे क्या है, हम उसको छुपा के रखते हैं क्योंकि हम एज अ सोसाइटी बहुत डरते हैं शादी से पहले अगर वो गर्भवती हो गई या शादी से पहले उसका किसी से संबंध हो गया और उसने पढ़ाई नहीं की। ये दो चीजों से हम बहुत डरते हैं कि अगर वो गर्भवती हो जाएगी तो हमारी इज्जत चली जाएगी समाज में, और दूसरा अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तो एज अ सोसाइटी हम लड़कियों को उनकी अपनी सेक्सुअलिटी से बहुत दूर रखते हैं और शादी के दिन तक वो बिल्कुल एसेक्सुअल होती है और तुरंत ही
4 घंटे में वो कैसे एक सेक्सुअल ह्यूमन बीइंग में परिवर्तित हो जाएगी। तो वो एक शेम के एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है जिसमें उसको कॉन्स्टेंटली ये बताया गया है कि ये गंदी चीज है, ये गलत चीज है और आपको इससे दूर रहना है। तो कैसे वो शादी के बाद तुरंत ही उसका परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा, जिस सोसाइटी में सेक्सुअल एजुकेशन को दबा दिया गया है कि अगर हम सेक्स एजुकेशन देंगे तो ये लड़की जाके कुछ भी करेगी, या जितना भी सेक्स एजुकेशन होता है वो सारा नेगेटिव या डरा फियर बेस्ड होता है, मतलब डर को बढ़ाने वाला होता है। उसमें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं, कॉन्ट्रसेप्शन की बात करते हैं कि ये अगर सेक्स करोगे तो एसटीडी हो सकता है, सेक्स करोगे तो प्रेगनेंसी हो सकता है, इसलिए ये मत करना। तो और या हम इसे पीरियड्स के बारे में कहते हैं, हम पॉजिटिव प्लेजर बेस्ड सेक्स एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं करते, तो उसे सेक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल असॉल्ट और रेप का बहुत ज्यादा हाइपर कवरेज होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि हमें ये कवर नहीं करना है, हमको जरूर कवर करना है, लेकिन हम किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जहां एक 12 साल की लड़की को अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको सेक्स के बारे में कुछ नहीं पता है और उसने बहुत ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में सुन लिया, न्यूज में हो या न्यूज़पेपर्स में हो या सोशल मीडिया में हो, तो हमारा मन ये रिकॉर्ड कर लेता है कि ये तो बहुत डरावनी चीज है, इससे मुझे तकलीफ हो सकती है। या उसने अपनी किसी फ्रेंड से सुना है कि पहली रात तो बहुत दर्द होता है भाई, मुझे तो ब्लीडिंग हुई थी। जब ऐसी डरावनी चीजें कोई लड़की सुन लेगी तो उसके मन में एक तरीके की रिकॉर्डिंग हो जाती है कि ये पेनफुल होगा या ये शेमफुल है। अगर उसे कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में कुछ पता नहीं है तो वो प्रेगनेंसी से डर सकती है। या चौथा, अगर उसे कभी सेक्सुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन या बैड टच का सामना करना पड़ा हो उसके ग्रोइंग अप ईयर्स में, तो कुछ वो जो सेक्सुअल अर्ज है उसको अच्छी तरीके से देखने से पहले उसने उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेल लिए हैं। जब वो छोटी थी या ग्रोइंग अप ईयर्स में थी, जब बस में किसी ने उसको टच कर दिया हो, तो वो ये सोचते हुए बड़ी होती है कि ये तो गंदी चीज है, इसकी वजह से मुझे तकलीफ हुई। तो जब सेक्सुअल अर्ज एक नेगेटिव चीज की तरह परसीव होने लगती है तो कैसे जाके आगे वो बदल जाएगी। तो जनरली हम कहते हैं मोलेस्टेशन, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, शेम, पेन, फियर ऑफ प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें कॉज कर सकती हैं वजाइनिस्मस। तो हमारी बॉडी क्या करेगी अगर इस तरीके की रिकॉर्डिंग है हमारे सबकॉन्शियस में, तो उसको लग रहा है ये डरावनी चीज है। तो अराउजल उत्तेजना होने के बावजूद भी जैसे ही पेनिट्रेशन की बारी आएगी वो तुरंत एक्टिव एक्शन में आ जाएगा और अपने मसल्स को सिग्नल भेजेगा कि डेंजर, चेतावनी, खतरा, और वो वजाइनल मसल्स को बंद कर देगा। ऐसा नहीं है ये हमेशा बंद रहते हैं, जैसे ही वो सेक्सुअल सिचुएशन चली जाएगी ये अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन में वो कंडीशनिंग की वजह से वो बंद हो रहे हैं और ये उसके हाथ में नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ वजाइनिस्मस उस लड़की की गलती नहीं है, इनफैक्ट ये वो समाज की गलती है जिसमें वो बड़ी हुई है, जिसने उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग की है कि सेक्स तो या तो पेनफुल होता है या तो शेमफुल होता है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक कपल या आदमी और औरत सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, उनका बहुत मन होता है ये करने का, लेकिन फोरप्ले के बाद, एक दूसरे को स्पर्श करने के बाद और उत्तेजना होने के बाद, जब वो फाइनल मोमेंट आता है पेनिट्रेशन का, अगर उस समय सडनली वो वजाइना क्लोज हो जाए और बिल्कुल भी उसमें एंट्री ना हो पाए, तो ये एक तरीके से आपने आग के ऊपर पानी डाल दिया, आपने उनके सारे इमोशंस एकदम से खत्म कर दिए, और ये एक बार नहीं हर बार हो रहा है। तो जो रिलेशनशिप होती है उस पर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पे, क्योंकि ऑब्वियसली जो आदमी होता है उसे फ्रस्ट्रेशन होती है कि हो क्या रहा है, और जो औरत होती है उसका धीरे धीरे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो सबसे बेसिक चीज नहीं कर पा रही है जो हमारी बॉडी का फंक्शन है। राइट, हम सुनते हैं ये, वो हमेशा अपने आसपास सुनती है कि कोई प्रेग्नेंट हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, उसको लगता है मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम कम हो जाना, आदमी का फ्रस्ट्रेशन में चले जाना, और फिर दोनों के बीच में झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना,
ये बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट कुछ ही सालों में अगर ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई तो ये सेपरेशन और डिवोर्स तक पहुंच जाता है और काफी सारे लोग अलग भी हो जाते हैं। तो वजाइनिस्मस हम समझ सकते हैं कोई बीमारी नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, वो एक तरीके का बॉडी रिएक्शन है। और बॉडी रिएक्शन है आपको बचाने के लिए, वो बॉडी आपकी बॉडी आपकी मदद कर रही है, वो आपको परेशान नहीं कर रही है। तो ये एक डिफेंस रिएक्शन है अगेंस्ट अ थ्रेट, क्योंकि हम पेनिट्रेशन को एक थ्रेट मान रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस में। एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है मुझे करना है, सबकॉन्शियस कह रहा है मुझे नहीं करना है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और क्योंकि सबकॉन्शियस ज्यादा पावरफुल होता है, वो जीत जाता है। तो ये अपने आप नहीं जाएगा अगर आप सोचें कि नहीं, चलो कुछ लोग एडवाइस देते हैं कि चलो थोड़ा वाइन पी लो उससे हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे ना नंबिंग जेल लगा लो तो पेन नहीं होगा, ये सबसे कोई फायदा नहीं होता है। क्या हम बिल्कुल नंबिंग के स्टेट में, बिल्कुल सुन्न होने के स्टेट में सेक्स करना चाहते हैं, या हम उसे पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? तो वाइन से या नंबिंग जेल से कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चलो जबरदस्ती कर दो। इनफैक्ट लड़कियां खुद बोलती हैं कितनी बार कि ये तो बस करना है तो आप ना जरा जोर से कर दो। ये गलत है, क्योंकि एक बेसिक चीज इसमें समझनी है कि अगर आपको पेन होगा तो आपकी बॉडी आपको और ज्यादा बचाएगी अगली बार, तो इसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर इस बार आपकी बॉडी वो सिग्नल्स की वजह से खतरा 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 फाइट कर रही है और बंद कर दिया है मसल्स को, अगर आप जोर कर जबरदस्ती करोगे अगली बार तो आपकी बॉडी और ज्यादा फाइट करेगी, क्योंकि पेन तो एक्सपीरियंस हो गया आप, है ना। तो इसको कहते हैं साइकिल ऑफ पेन, कि पेन लीड्स टू मोर पेन। इसीलिए पेन इज नॉट द आंसर। हमें इसे एक प्रिंसिपल के साथ करना है कि हमें एक होता कैसे है, मैं समझाती हूँ कि आपने कहीं सुना हुआ है कि ये पेनफुल होता है, आपकी बॉडी तैयार होती है फाइट करने के लिए, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर इस परिस्थिति में फोर्स किया जाए और ज्यादा पेन होगा, फिर अगली बार और ज्यादा पेन होगा। तो ये साइकिल ऑफ पेन तोड़ने का एक ही तरीका है कि आपको पेनलेस पेनिट्रेशन का एक्सपीरियंस हो। तो वो एक नया एक्सपीरियंस आने की वजह से आपका ये जो पुराना थॉट प्रोसेस था कि अरे यार ये तो पेनफुल होता है, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, एक नया इवेंट क्रिएट हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस में कि ये पेनलेस और प्लेजरेबल हो सकता है। तो इसके लिए हम उंगलियों के हिसाब मदद से या वजाइनल डायलेटर्स की मदद से एक औरत को कुछ एक्सरसाइजेस की हेल्प से सिखाते हैं कि एक आदमी के साथ करने से पहले वो अपने रूम में थोड़ी शांत प्रवृत्ति में थोड़ा रिलैक्स करके ये उंगलियों या डायलेटर्स के ऊपर वजाइनल पेनिट्रेशन सीखे धीरे धीरे। और ये अपने आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितनी बार हम अपने आप करने में थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। तो एक वजाइनिस्मस कोच के साथ, जिसको वजाइनिस्मस के बारे में पता है, हम एक औरत को ऑनलाइन भी उसको जाके मिलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वजाइनिस्मस में मोस्टली हीलिंग दो फ्रंट्स पे होती है। कि एक तो इमोशनल हीलिंग, कि कहाँ से ये रिकॉर्डिंग हो गई कि ये पेनफुल और शेमफुल है, और उसको हम किसी तरीके से डिलीट करें साइकोथेरेपी या काउंसलिंग की मदद से। और दूसरा होता है वजाइनल मसल्स को हम रिलैक्स करना सिखाएं, कि अगर उसके अंदर कोई उसकी अपनी उंगली या उसने जो डायलेटर पकड़ा हुआ है वो अंदर जाने की जब कोशिश कर रहा है और हमारा वजाइना डर के बैठा हुआ है कि मुझे पेन होगा, तब हम कैसे उसे रिलैक्स करना सिखा सकते हैं। तो इसको कहते हैं वजाइनल ट्रेनिंग, डायलेटर्स या उंगलियों की हेल्प से, और दूसरा होता है इमोशनल हीलिंग। ये दो मेन मेन चीजें हैं वजाइनिस्मस हीलिंग में, जो इजीली 2 महीने, 2 से 2.5 महीने में सिखाई जा सकती हैं। पूरे विश्व में अगर आप देख लो वजाइनिस्मस का सक्सेस रेट 80-90%, 200% भी लोगों ने रिपोर्ट किया है। बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा हार्डवेयर नॉर्मल है। हार्डवेयर मतलब वो लैपटॉप एकदम ठीक है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी एकदम ठीक है। जो सॉफ्टवेयर है कि आपको पेनलेस प्लेजरेबल इंटरकोर्स हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या हुई है, उसके अंदर एक वायरस आ गया है। ये वायरस आपने नहीं डाला है, ये वायरस आपकी सोसाइटी ने अब उसके थॉट प्रोसेस की वजह से आपकी बॉडी में डाल दिया है। और आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको वो एंटीवायरस चलाना है।
वो अपने आप वायरस निकल जाएगा और आपकी बॉडी वो करने लग जाएगी जिसके लिए वो डिजाइंड है। जैसे आप खाना खाते हो तो आप कभी सोचते हो क्या कि यहाँ अटक जाएगा? वो अंदर ही डिजाइन है कि अपने आप अंदर चला जाएगा, डाइजेस्ट भी हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एक डिजाइन है जो अपने आप ही होता है। शेम और पेन का जो वायरस घुसा हुआ है, इस वजह से दिक्कत होती है। वजाइनिस्मस ट्रीटमेंट तो काफी देर की बात है, हमें वजाइनिस्मस प्रिवेंट करना है। और हम कितना कितना इसको ट्रीट करेंगे ना, इसका रूट कॉज उस लड़की में नहीं है, इसका रूट कॉज इस सोसाइटी में है कि ये लड़कियां इस सोसाइटी में ग्रो हो रही हैं जिनको वजाइनिस्मस है। तो हमें ये प्रिवेंट करना है, हमें अपनी अगली जनरेशन में ये कोशिश करना है कि उनके अंदर पेन, शेम, मॉलेस्टेशन, इनके रूट्स उनके मस्तिष्क में ना चले जाएं कि ये एक पेनफुल चीज है, ये एक गंदी चीज है। और इतना सेक्सुअल सप्रेशन है एनवायरनमेंट में कि कोई आदमी लड़कियों को बसेस और ट्रेन्स में टच करता है। तो ये इन्फ्लुएंसेस अगर हम अपनी अगली जनरेशन में कम कर सकें और उसको पॉजिटिव सेक्स एजुकेशन दे सकें कि सेक्स एक लाइफ को निहारने वाली, लाइफ को निखारने वाली और सुंदर चीज है, हम ये मैसेज अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकें कि वो पेन और शेम का मैसेज आने से पहले ही हमें उसे पॉजिटिव सेक्स एजुकेशन देना है। 9 साल की लड़की को पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉजिटिव सेक्स एड बिफोर शी हियर्स की पेन और शेम नाम की कोई चीज भी होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वजाइनिस्मस ना ये तो सिर्फ अर्बन इंडिया में होता है, ये ग्रामीण इलाकों में नहीं होता है, वहां पे तो किसी को है ही नहीं, देखो कितने बच्चे होते हैं। बट मैंने ये देखा है क्योंकि मैं दोनों जगह रह चुकी हूँ कि ग्रामीण इलाकों में भी उतना ही है। सिर्फ ये है कि बात ये है कि औरतों को ना कहने की हिम्मत नहीं होती, वहां पे एक औरत की उतनी राइट नहीं होती कि मैं ना कह सकूं और मेरा पति मेरी सुन लेगा और रुक जाएगा। बहुत बार फोर्स किया जाता है और फर्स्ट नाइट पेनफुल होता है। इसीलिए ये जो मिथ्या सोच हमारे समाज में फैल गई है कि फर्स्ट नाइट इज पेनफुल, क्योंकि एक औरत अराउज नहीं हुई है, उत्तेजित नहीं हुआ, उसके बावजूद अगर पेनिट्रेशन किया जाता है तो पेनफुल हो सकता है क्योंकि वो वजाइना तैयार नहीं हुआ है। नॉर्मली उत्तेजना से जो सेम वजाइना 3 या 4 इंच का लंबा सा होता है और 1 इंच का चौड़ा होता है, वो 5 से 6 इंच लंबा हो जाता है और 2.5 इंच मोटा हो जाता है। जिस तरीके से पेनिस में इरेक्शन होता है, वजाइना में भी इरेक्शन होता है, और इसीलिए नेचर ने इंश्योर किया है ये पेनलेस होगा। लेकिन अगर उत्तेजना के बिना ये पेनिट्रेशन किया जाएगा औरत में तो ये पेनफुल हो सकता है। तो ग्रामीण इलाकों में हम बहुत बार सुनते हैं कि औरत को उत्तेजित किए बिना कर दिया जाता है पेनिट्रेशन और उसकी ना नहीं सुनी जाती। इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन प्रॉबेबली उनको कहने के लिए हिम्मत नहीं है। अर्बन इंडिया में एटलीस्ट क्योंकि क्वालिटी थोड़ी ज्यादा होगी, आदमी शायद रुक जाएगा उसके नो बोलने पे, और इसीलिए वजाइनिस्मस हो सकता है। दूसरी बात, आदमी क्या कर सकता है? तो पहली बात तो आदमी शायद ये समझ सकता है कि ये जानबूझ के नहीं कर रही है, अपने को थोड़ा अच्छे से इन्फॉर्म कर सकता है। गूगल में आजकल वजाइनिस्मस रिलेटेड बहुत रिसोर्सेज हैं, और ये समझ सकता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और के साथ अफेयर कर रही है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। और इसके लिए जो वजाइनिस्मस हीलिंग का प्रोसेस होता है, उसमें आदमी को भी काफी पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि जब ये वजाइनल डायलेशन चल रहा है तब ये उसे प्रोत्साहित कर सकता है कि बीच में ही प्रोसेस को छोड़ न दें। हम अराउजल को काफी यूज करते हैं, उत्तेजना को काफी यूज करते हैं डायलेशन में, तो आदमी उसका साथ दे सकता है औरत का। और आगे जाके ये जो स्टेप्स हैं, इसमें सेंसेट फोकस नाम की एक प्रक्रिया होती है जो आदमी औरत के बीच में की जाती है, ताकि औरत आदमी को ट्रस्ट करने लगी कि ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, मुझे दर्द नहीं देगा। और उसके बाद फाइनली जो पेनिट्रेशन का टाइम होता है, ये भी थोड़ा सोच समझ के करना होता है। तो आदमी का बहुत बड़ा रोल होता है उसे समझने में, उसे ब्लेम नहीं करने में और उसको सपोर्ट करने में पूरे प्रोसेस में। पहली बात तो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर वजाइनिस्मस है तो। हमारे प्रोग्राम में भी बहुत सारी औरतें आई हैं जिनको लगा कि वजाइनिस्मस ठीक होना तो बहुत मुश्किल है, चलो हम एटलीस्ट मदर तो बन जाएं। तो वो IVF या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मदद से प्रेग्नेंट हो चुके हैं और डिलीवर भी कर चुके हैं। तो
तो विद वजाइनिस्मस प्रेग्नेंट होना मुश्किल है, लेकिन एक बार आप वजाइनिस्मस हील कर लेते हो, तो हमारे प्रोग्राम में ऐसे भी लोग हुए हैं जो 6 महीने में 8 महीने में प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो पहली बात ये। दूसरी बात जो डिलीवरी की बात है, तो वजाइना जैसे मैंने कहा बहुत इलास्टिक होता है, तो वो 9 सेंटीमीटर भी खुल जाएगा, और जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे का हेड अपने आप बाहर निकलता है, इस प्रोसेस में अपने आप ही वो बच्चे का हेड वजाइना को उतना स्ट्रेच आउट कर देता है। तो क्या वजाइनिस्मिस होते हुए आप वजाइनल डिलीवरी कर सकते हो? तो हाँ आप कर सकते हो। बस इतना होगा कि जो वजाइनल एग्जामिनेशन होते हैं डिलीवरी के दौरान, वो पेनफुल हो सकते हैं। तो अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या स्त्री रोग विशेषज्ञ से बात करके रखें कि जितने कम एग्जामिनेशन हो उतना अच्छा है, या सिर्फ जरूरी हो और जो हो वो लुब्रिकेशन या जेल लगा के हो, और बहुत शांति से बहुत आसानी से एक उंगली से भी कितनी बार किया जाता है, कितनी बार हम बिना अंदर डाले बाहर से भी जज कर सकते हैं कि बच्चा कितना नीचे आया है। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा, और डेफिनेटली डिलीवरी के बाद भी हम वजाइनिस्मस हील कर सकते हैं। जो वजाइनिस्मस है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो वजाइना की मसल्स हैं वो हमारे इमोशंस को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। हमारे इमोशंस में कहीं ना कहीं डर या ये गंदा है, ये शेमफुल है, ये बसा हुआ होता है, और जब तक इसकी हीलिंग नहीं होती तो वो वजाइनल मसल्स को ये सिग्नल्स भेज सकता है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ डायलेटर्स के साथ काम करें, जैसे बहुत सारे जगह होता है लोगों को लगता है सिर्फ डायलेटर्स कर लो ये ठीक हो जाएगा, जब तक हम इमोशनल हीलिंग पूरी कंप्लीट ना करें, या कुछ लोगों को जैसे असॉल्ट या मोलेस्टेशन की चीजें हो चुकी हैं, अगर हम उसको पूरी तरीके से हील ना करें, तो आज किसी के साथ आसानी से इंटरकोर्स हो जाए, हो सकता है वो कुछ महीनों के बाद दोबारा से हमारा वजाइना कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि ये तो एक मसल है, जिस तरीके से हेडेक क्यों होता है, क्योंकि हमारे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं राइट, स्ट्रेस की वजह से। वैसे ही अगर कोई स्ट्रेसफुल फेज आता है जिसमें या तो आपको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, आपके हस्बैंड या पार्टनर के साथ रिलेटेड स्ट्रेस है, या किसी भी कारण का स्ट्रेस है, तो आपके वजाइनल मसल्स दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसे टाइम में आपको ये समझना है कि ये दोबारा हो सकता है, तो हम दोबारा कुछ दिन डायलेटर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि अगर पूरी तरीके से अगर हीलिंग कर दी जाए तो ये यूजुअली वापस नहीं होता, लेकिन अगर हीलिंग कहीं आधी हुई है, कम हुई है, तो ये दोबारा वजाइनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन।